नहलाने ले चलू, तेरे को भी ले चलू। सॉरी ऐसा करते हैं, 16 डायपर बहुत है, प्रॉब्लम नहीं करेगी वो, नहीं लेके जा सकती। चाहे तू मत, नानी घर जा रहा है बच्चा, नानको वाले को भी पता चलना चाहिए कि पायल मलिक का बेटा है। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो होगी बहुत ही सुंदर सुंदर, क्योंकि हम मिलवाने वाले हैं हमारे दोनों तीनों काको से। क्या हो रहा भैया, उठ गए सुबह सुबह उठ गए? यहाँ पे ये देखो, ये भी उठ गया है। क्या हो रहा है, खाना खाने? मैं सोना काका, मैं नूनी बेटी, आज घूमने ले चलूं तेरे को, लेके चलूं घूमने? बोल चलना गए, चलना। चलो काम करता हूँ, तेरे को ना वाटरफॉल में लेके जाता हूँ, नहलाने ले चलूं? बोल नहलाने ले चलूं, तेरे को भी ले चलूं? बोल चलना। आज एक काम कर, बाहर ना आते हैं, एक काम करते हैं गाइस, आज इनको बाहर नहलाने ले चलता हूं। बोलो भैया छोटेलाल, बोल जल्दी चलने। कह रहा हाँ चलते हैं, ठीक है। मम्मी से पूछता हूँ तेरे, मैं कह रहा हूँ पायल को कि वाटर पार्क चलते हैं, चीकू की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं और तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल कूद भी लेगा, बता। गुड्डू देखो नहीं जा सकते। क्यों? सॉरी बच्चे छोटे हैं, अगर हम यहाँ बच्चों को छोड़ के जाएंगे तो पीछे बच्चे परेशान होंगे, वहाँ लेके जाएंगे वहाँ भी परेशान होंगे। कल देखो एक घंटे की दिक्कत है यार, एक घंटे में आ जाएंगे, जब तक खाना वाना खिला के इनको। चल है भाई बता। नहीं पायल से ही बोल रही है, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, सुनो गाइस ऐसा करते हैं, बोल रही हूँ तुम दोनों को बोल रही हूँ, हम पहले बच्चों को नहलाने धुलाना ये सब कर देते हैं उनको, तो हम जैसे वहाँ पे वाटर कितना टाइम है वहाँ पे, 15 मिनट का रास्ता, 15 मिनट का जाने का, 15 मिनट का आने का, 1 घंटा वहाँ रुकने का, तो ऐसे टाइम के 5 बजे के करीब नहीं जाएंगे, ऐसे टाइम पे चलेंगे जिसमें बच्चे 2-3 घंटे के लिए सोते हैं, तो नहाने के बाद बच्चे 2-3 घंटे के लिए सोते हैं। किस टाइम सोते हैं बच्चे? अब आप ये बताओ बच्चों को अभी नहीं लाए, 12 बज रहे हैं या 2 घंटे बाद नहीं लाए? 2 घंटे बाद नहलाते। ठीक है ठीक है ठीक है, डन चलते हैं फिर। ओके तो गुड्डू आपने मेरे को कल घड़ी लेने से मना कर दिया ना, मैंने क्या किया? आपने बोला कि ऑनलाइन कर दियो, मैंने ना 2 ऐप। पैसे खराब होते हैं देख ना, तो तुम इतने टाइम आजकल फोन में घड़ी, क्यों पैसे खराब करने? ये लोग इतनी महंगी महंगी 10-10, 20-20 लाख की घड़ियां पहनते, पैसे भाई जब एक्स्ट्रा पैसे होते तुम कुछ भी कर लो। देखो घड़ी में टाइम दिखाऊं, 12:12 हो गए, कहां बांधेगी घड़ी बता? यहां ही साथ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो 2 ऐप डाउनलोड कर लिया, 150 वाली घड़ी ले ले, मिल जाती है बहुत सारी। 150 वाली घड़ी कौन यूज करता है गाइस? बच्चे भी यूज नहीं करते आजकल। ये करती है बता बेटा। नहीं नहीं मैं तो घड़ी नहीं बस, मैं तो कल पहनी थी पायल की, पायल की बात तेरे को समझा रहा हूँ। अभी 2-4 साल मत लेना घड़ी बांधने की, बच्चों कहीं लग लुगी तो नहीं। मैं घड़ी ऐसी लूंगी जो बच्चों को नहीं लगेगी। मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया, मैं ले रही ना, लेने का बहाना ढूंढ रही हूँ आप, ना दिलाने का बहाना। कपड़े दिलवाए, बकवास मत, मेरे को नहीं दिलाया, दिमाग मत खराब करना दोबारा। इसको तो दिलाए देगी असली है, मैं तो इसकी सपोर्ट में ले रही हूँ, बात कर रही हूँ। घड़ी लेगी तो मैं भी तो पहनूंगी ना, मैं तो इससे लड़ती नहीं हूँ कभी भी, ये तो मेरी प्यारी बहन है। मालिश करा के आया है गुरु, ये ना थोड़ा हमारा लाडे सर है, तो ये रो रो के इसलिए दिखाता है कि कोई ना कोई मुझे गोदी में लेके चुप कराए। ये सबसे ज्यादा यही रोता है इस घर में, मतलब चीकू भी इतना नहीं रोता था, जैद भी नहीं रोता और तूबा भी नहीं रोती, जितना भी रोता ना। चीकू तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, चीकू बहुत बेस्ट बेबी था, पर ये अभी मेरे को बोलने नहीं दे रहा। ओए 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 मेरा बच्चा, ओए मेरा सोना, ओए मेरा गुग्गा। तो गाइस हमारे घर में ना अभी भी कोई आए हैं गेस्ट, और वो बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं आज, मतलब मुद्दों तो बाद उनके दर्शन हुए हैं, तो आपको भी मिलवा देती हूँ हमारे गेस्ट से। पहचानोगे तो कमेंट कर देना कि आपने पहचान लिया है, और नहीं पहचानोगे तो मैं बता दूंगी कौन है। तो ये है The one and only Harman Malik, Malik। बहुत दिनों के बाद स्कूल में टाई लगाई थी मैंने, पहली बार मतलब स्कूल में लगाई थी, अब दोबारा टाई लगवा रहा। अच्छा पहले जो स्कूल की टाई होती थी ना गाइस, जो पहले स्कूल की टाई होती थी ना वो ऑलरेडी बनी हुई होती थी, तो ये इनको बनाने में मुसीबत हुई। आती है बनाने मुझे टाई, तो आती है बनाने, स्कूल में रोज बनाता था मैं, पता है। अच्छा हमारे स्कूल में तो एक्चुअली हमारे स्कूल में ना वो बनी बनाई आती थी छोटी सी। देखो क्या बदतमीजी की है। अच्छा सॉरी सॉरी मैं कर रही थी। तो गाइस इस लुक को आप कितने नंबर देंगे जरूर बताना, मैं मुझे दूर से खड़ा होता मुझे तो बहुत हैंडसम लगे। तो भैया वाकई में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मुझे तो, और इसमें मैं थोड़ा सा फिट भी ज्यादा ही लग रहा हूँ जबरदस्त। तो मुझे 10-15 मिनट हो गए ये कोट पैंट पहने हुए, और इतनी गर्मी लग रही है यार मुझे, बस मतलब तारीफ है उन लोगों के लिए जो बैंक में जॉब करते हैं या फिर कोई भी अच्छी इंडस्ट्रियल जॉब कर रहे हैं जिसमें वो टाई कैरी करते हैं, कोट कैरी करते हैं, और क्या करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। और मुझे तो अभी घर में भी गर्मी लगने लग गई, शूज और सॉक्स। हाँ शूज और सॉक्स पहन, चलिए चलो मैं, तो हमने तो चलो फिर भी चप्पलें पहनी हुई है, लेकिन अच्छे लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। चलो मैं जॉब पे जाता हूँ। कौन सी जॉब करते हो आप? तो भैया हम हो गए रेडी, और अभी हम जा रहे हैं अपने ससुराल यानी कि हमारी माता श्री के पास दिल्ली, और दिल्ली हमें कोई काम है, और साथ साथ हमारा जो लोंडा है ना वो रेडी हो गया। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये हीरो देखो, ये गोल्ड की रिंग पहन के जा रहा है। तो गाइस ये जो वो रिंग है ना, ये पूजा लेकर आई थी जब बच्चे होने वाले थे, बेबी शावर पे 3 रिंग लाई थी, तो जैद ने बिल्कुल अपने हाथ में पाल फिक्स कर लिए है। कह रहे मम्मी मम्मी
मेरी है ये हाँ। मैं गोलू को मना कर रही हूँ वैसे कि मत लेके जा, जैद को मैं संभाल लूंगी यहाँ पे हाँ। कह रही हूँ मम्मी से मिलवा पायल 10 बार मम्मी से क्या रात को वापस ले आएगी रोने लग जाएगी याद आ रही पता है ये बात एक दिन एक बच्चा छोड़ा चाहिए होता ना पायल है तो मैंने सोचा काम करिए थोड़ी सी ट्रैवलिंग हो जाएगी इसको ले जाती हूँ साथ साथ मैं सोच रही हूँ चीकू को भी ले जाती हूँ चीकू भी मिलाएगा नानी से जैद भी मिलाएगा जाने की वजह क्या है कि जो हमारे चाचा श्री हैं जो गोलू के चाचा हैं हमारे चाचा हैं उनकी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है उनको ना थोड़े से गले में ना पेन हो गया है क्या क्या दिक्कत आ रही गोलू उनको चाचू की ना तबीयत काफी टाइम से ना खराब चल रही है मतलब कि बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं माउथ में दिक्कत आ रही है और मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ इश्यूज काफी चल रहे हैं तो वहीं जाऊंगी ना थोड़े दिन पहले ना उनको ना ब्लड की बहुत सारी वोमिटिंग आई थी बहुत ही सारी मतलब कि उस टाइम जब देखा था ना गोलू रोने लगी थी हमने वो बातें शेयर नहीं की पर आज शेयर कर रहे हैं तो ये हुआ किस लिए ये तो मुझे भी नहीं पता बाकी गोलू तुझे पता है नहीं गुड्डू मेरे से बात हुई थी उस दिन जिस दिन आप गोलू रो रही थी यहाँ पे बैठ के मैंने कहा गोलू रो रही है आप अंदर थे तो वो उतना भी पता लगी थी मम्मी ने बताई थी ये बातें पर ये नहीं पता किस बात से हो रही है वो आज आप लोग जाओगे तो पता चलेगा तो गाइस गोलू की पैकिंग करवा रही हूँ मैं क्योंकि गोलू जा रही है दिल्ली और दिल्ली जाते हुए ना वो जैद को भी साथ लेके जा रही है और चीकू को भी साथ लेके जा रही है मैंने इसको इतना मना किया है कि तो छोड़ दे जैद को ट्रैवल में परेशान हो जाएगा पर इसने कहा कि नहीं यार मैं जा रही हूँ दिल्ली मम्मी से मिलवा के आऊंगी मम्मी भी बोल रही है काफी टाइम से तो मैंने कहा मैं मिलवा लेती हूँ साथ ही साथ ना चाचा जी का भी मेरा कंसर्न मेन ये था कि ना चाचू से भी मिलवा लूँ साथ ही साथ ना चाची भी देखो सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है ना पूरी रिलेटिव के लिए आना और स्पेशली आके जैद से मिलना बच्चों से मिलना तो मैंने सोचा अगर मैं जा रही हूँ ना तो वे एक बार ना जैद से तो मिल ही लेंगे फिर जब उनका यहाँ चक्कर लगेगा तो बाकी बच्चों से मिल लेंगे तो फिलहाल मैं करवा देती हूँ इसकी फटाफट से पैकिंग तो गाइज मैं और पायल ना काफी ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं डायपर्स को लेकर कि डायपर्स कौन से बच्चों को यूज कराए तो इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डायपर मंगवाया मतलब कि जो ब्रांड हम यूज करते हैं ना उससे डिफरेंट ब्रांड मंगवाया तो देखती हूँ इसको यूज करके कि इसके डायपर्स कैसे है साथ ही साथ दो मंगवाए एक तो बड़ा वाला स्मॉल मंगवाया अयान और जैद के लिए एक छोटा वाला जो डायपर है वो मंगवाया मैंने तूबा के लिए कम से कम 15-20 रख ले ज्यादा रख लूँ 15-20 बहुत है ज्यादा रख लूँ क्या पूरा पैकेट ही रखेगी देख इतने बहुत है 15-20 इनफ होता है पता क्यों क्योंकि बच्चे को अगर तू 3 बार भी यूज करेगी दिन में 4 बार भी यूज करेगी 5 बार भी यूज करेगी तो भी 10-15 बहुत है क्योंकि तुझे इतनी देर तो रुकना नहीं है वापस आना है ठीक है डायपर गिनने की जब थे वैसे 16 डायपर बहुत है तो गाइस कुछ टाइम पहले ना देखो हम आपको हर एक चीज शेयर करते तो मैंने कहा पैकिंग करते करते भी ब्लॉग बनाती हूँ तो कुछ टाइम पहले हम 2 कुर्तीज लेकर आए थे फीडिंग वाली मैं और पायल तो दोनों कुर्तीज पायल मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि पायल ने अभी तक वियर नहीं करी है तो पायल कह रही कोई बात नहीं गोलू और सारे नए कपड़े रखे मैंने एक ये 1 पीस था पायल लेकर आई थी ये भी मैंने रख लिया है और साथ ही साथ ना इसमें 2 कलर्स पायल लेकर आई थी एक मस्टर्ड था एक ब्लू था तो मैंने अपने लिए ब्लू वाला 1 पीस रखा है कोई तो गाइज गोलू दोनों बच्चों को लेके जा रही है चीकू को भी लेके जा रही है और जैद को भी लेके जा रही है तो चीकू को तो मैं भी ले जाती पर मैं जिस टाइम गई थी ना वहाँ पे मेरे 2 काम थे एक तो ये नए शौक की शूटिंग के कपड़े लेके आने थे दूसरा मेरा एक ऑपरेशन होने वाला है रसौली वाला ठीक है रसौली का ऑपरेशन और जो रसौली बताई थी ना वो मेरी जिस जहाँ से मैंने IVF कराया था उन डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको रसौली है यूट्रस में और उस टाइम उतनी बड़ी नहीं थी उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी वो बाद में हम इसको ऑपरेट कर लेंगे तो जब अभी जो मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे चेकअप कराना पड़ा एक बार कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो रसौली है वो इंक्रीज हो गई है उसको ऑपरेट करके ही निकालना पड़ेगा तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं डॉक्टर के पास जाती हूँ जिन्होंने देखा था फिर उन्होंने मुझे और कुछ टेस्ट भी लिख के दिए हैं तो मेरा जो ऑपरेट करने वाली चीज है वो होनी है पर मैं ये सोच रही हूँ जब तक डिले हो सकता है तब तक डिले हो जाए क्योंकि बच्चों को फीड कराना बहुत जरूरी है इस टाइम पे क्योंकि इनको माँ की जरूरत बहुत ज्यादा है और मैं उस टाइम बच्चों को इसलिए नहीं लेके गई कि ट्रैवल में वो मेरे साथ परेशान होते मैं खुद भी परेशान हो रही थी वो भी परेशान होते और दो दो बच्चों को ट्रैवल में लेके जाना और मेरे साथ फिर टीम भी थी निशु भैया थे लक्ष्य थी सूरज भैया थे तो फिर देखो मदर फीड भी नहीं हो पाता है ठीक है तो इसलिए मैं उनको लेके नहीं गई थी और मैं यहाँ से देखो शाम को निकली थी अगले दिन आ गई थी मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया था फिर भी आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए थे पर कोई बात नहीं मैं समझती हूँ क्योंकि आप लोग भी अच्छा ही समझते हो सोचते हो हमारे लिए आपको लगा कि हाँ पायल ने गलत किया बच्चों को छोड़ के चले गई तो आपने कमेंट्स कर दिए पर कोई बात नहीं पूरी सिचुएशन आपको नहीं पता थी तो इसलिए मैंने आपको पूरी सिचुएशन बता दिया है तो गाइस देखो मैं आपको समझा देती हूँ देखो जब बच्चों की 2 माँ होती है ना तो पायल को पता है कि गोलू है पीछे से वो संभालेगी अभी मैं हूँ ठीक है मैं जैद को लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन है पायल ने बोला जैद रुक जा अगर मैं जैद को छोड़ के जाती चीकू को छोड़ के जाती ना तो मैं आराम से चीकू के पापा के साथ ना टेंशन फ्री जाती मुझे पता है पायल है पीछे से देख लेगी तो इसलिए ना जब तक बच्चे 6 महीने के नहीं होते उस दिन मैंने व्लॉग में बोली भी थी बात कि अभी इस बार पायल जा रही है नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी और
अब हमारा कैसा होगा, हम वन बाय वन करके जाया करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे जब तक 6 महीने के नहीं होते ना, हम सारे बच्चों को इकट्ठे नहीं लेके जा सकते। और गाइस साथ ही साथ ना मैं जैद को इसलिए भी लेके जा रही हूँ क्योंकि मम्मी को पता चल गया कि गोलू आ रही दिल्ली, तो मम्मी कह रही तू जैद को लेकर आ, चाहे तू मत आ, जैद को भेज दे। मैंने कहा नहीं, जैद अकेले नहीं आ सकता। तो मेरी जितनी भी चाचियां हैं, मासियां हैं, क्योंकि घर के पास मासी रहते हैं, वो भी मिल लेगी जैद से, चाचियां भी मिल लेगी जैद से, तो सब ना एक बार जैद से मिल लेंगे। तो बस मेरा ये था कि एक बार उसको दिखाया हूँ। तो यहाँ पे मैंने हैंकी रख दिए, वाइप्स रख दिया, रोल ऑन रख दिया, और ZND और वो भी रख ले। एक दिन क्या, एक दिन के लिए फिर भी रख दे, रास्ते में बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो ना, सब चीजें हो पास में, ठीक है। और वो भी रख ले पेट के लिए, कॉलिकेट वो मैं रास्ते से नहीं ले लूंगी। हाँ नहीं ले लूंगी। तो भाई अभी हमने अपने बच्चों के लिए निकाले बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो कि अभी तक नहीं पहनी है। नानी घर जा रहा है बच्चा, तो हर 1-2 घंटे में उसे चेंज करना चाहिए। ये पहन चुका है, ये नहीं लेके जा, ठीक है। हर 2 घंटे में चेंज करिए बच्चे के कपड़े, ठीक है। नानको वालों को भी पता चलना चाहिए कि पायल मलिक का बेटा है। तो जरा मेरे को भी पैकिंग करनी है। मेरे को किसकी पैकिंग करनी है? मेरे को करनी है चीकू की पैकिंग, क्योंकि चीकू भी साथ जा रहा है। तो मैं चीकू के कपड़े निकाल देती हूँ, इसके नीचे मैं इसके कपड़े डाल रही हूँ, ठीक है। ये पूरा मैं फिर उसका बना दे। हाँ, एक उसका पानी की, जैसे पानी वानी कहीं उसको यूज करना हो, कुछ करना हो, तो एक मैं अलग सेपरेट उसके लिए बना देती हूँ। उसमें 2 डायपर अलग से रख देती हूँ, ठीक है ना। तो ये बैग खोलना नहीं पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ। कितने जोड़े कपड़े रख दिए मैंने? 6 जोड़े कपड़े और 2 जोड़ी सॉक्स, 1 जूते। लंदन जा रहे पर ये जूते तो तूने ही रखे ना, तकिया भी रखा तूने, वो आ जाके लेटेगा ना अपने पर्सनल तकिए पे। वो भी ले ले फिर, वो सुंदर सी वो नहीं थी, एसी ब्लैंकेट नहीं था अपने पास बच्चे का, वो भी निकाल ले। मम्मा नए कपड़े ले आओ। चीकू हां जी, जल्दी कर ले बेटा वरना पापा यहीं छोड़ जाएंगे तुझे, ठीक है मम्मा। 2 मिनट के अंदर कर, 2 मिनट के अंदर। यहां पे मैंने भाई का जो बैग है 2 कर रहे थे ना, वो उसको मैंने सिंगल ही कर दिया, क्योंकि गाइस उसकी गाड़ी में इतनी जगह होगी नहीं और बच्चे परेशान होंगे फिर, है ना। क्योंकि गोलू और चीकू और जैद तो आराम से लेट के शायद जाएंगे, तो उनके लिए स्पेस होनी चाहिए इतनी कि वो आराम से लेट सके। तो मैंने एक बैग चीकू का और गोलू का कर दिया है, एक बैग चीकू के पापा का हो गया, एक जैद का हो गया, और एक छोटा मोटा खाने पीने का हो गया। तो गाइस फाइनली ना कैंसिल होते 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 फाइनली प्लान हो ही गया, जा रहे हैं। कैंसिल किस लिए कर रहे थे? बिकॉज ऑफ चीकू, इसका जो है परसों स्कूल है, तो उन्होंने कहा मैं परसों से पहले इसे ले आऊंगा घर, पर नानी के घर जा रहा है तो चलने दे। चलो मम्मा को बाय कर दो, सी ऑफ करके आती हूं। चलो मम्मा तो साथ ही जा रही है, चलो बाय बाय कर दो पापा को। रो रहा है अब, जा रहे तो रो रहे, देखो रो रहा है। अगली बार हम चलेंगे, कोई बात। तो गाइस चीकू का जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि गाड़ी में ना भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, सामान ज्यादा हो गया था। फिर जैद साथ में गया था, तो उसको ना कंफर्टेबल सोने वोने के लिए जगह नहीं हो पाती, इसलिए मैंने चीकू को रोक लिया। यहाँ पे तू बस हो चुकी है, अयान 2 बार सो के उठ चुका है, उसको नींद बार बार खराब हो रही है। चीकू गया नीचे खेलने और मैं हो रही थी थोड़ी बोर, क्योंकि घर में गोलू नहीं होती ना, तो थोड़ा बोरियत हो जाता है घर में। तो बस मैं सोच रही हूँ कि आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।